एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए, यहाँ पे इंडोर प्लांट्स कितने अच्छे से चल रहे हैं। तो इनमें पानी देखकर डालिए, अगर मिट्टी सूखी हो तो पानी कम डालिए, और डेली नहीं दूसरे दिन पानी डालिए। तो यहाँ पे प्लांट्स सही से चल रहे हैं, और इंडोर प्लांट्स ज़रूर लगाइए। प्लांट्स से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है हमारे घर में, और सुख समृद्धि खुशहाली भी आती है। और देखिए, यहाँ पे मैंने गूगल की धूप जलाई थी, तो घर में गूगल की धूप ज़रूर जलाइए। तो मैं बाहर ही रख देती हूँ ला के धुआँ, ताकि चारों तरफ पूरे घर में हो। और यहाँ पे देखिए, ये वाले प्लांट्स भी अच्छे चल रहे हैं। तो पानी मैंने इनमें अभी डाला है, मिट्टी सूखी थी। और ये है स्नेक प्लांट, और ये पानी वाले प्लांट ज़रूर लगाइए इनके, ये भी बहुत अच्छे चलते हैं। घर में पॉजिटिविटी के लिए आप अपने घर को ऐसे सजा के रखें, तो पॉजिटिविटी, खुशहाली, बरकत हमारे घर में बनी रहती है। और देखिए, मैं पानी वाले प्लांट्स ये वाले दिखा रही हूँ आपको, जो मैंने लगाए थे, तो इनमें जड़ भी आ गई है, फोलियस में भी। तो इसमें तो जड़ थी स्पाइडर प्लांट में, तो ये देखिए फोलियस में दिखा रही हूँ। मैंने पहली बार लगाया था, और इसमें कितनी अच्छी रूट्स आई हैं, तो बहुत अच्छे से ये पानी में भी ग्रो हो जाएगा। तो आप भी पानी में प्लांट्स को ग्रो करें, और गर्मियों में ये वाले प्लांट्स ज़रूर लगाएं अपने घरों में। तो देखिए कितनी अच्छी, दोनों में दिखाती हूँ मैं आपको, दोनों पौधों में, दोनों जो मैंने कटिंग लगाई थी ना, वो दोनों में ही रूट्स आ गई हैं। तो ये देखिए, तो आप ज़रूर से लगाइए, डाइनिंग टेबल पर रखिए, ड्रेसिंग टेबल पर, सेंटर टेबल पर, या किसी भी कोने में रखेंगे ना, तो अच्छे से आप फोलियस तोड़ के लाइए छत से, और पानी में इसको ग्रो कीजिए। और इसमें भी देखिए, स्नेक प्लांट में भी रूट आ रही हैं छोटी छोटी। कैमरा फोकस नहीं कर रहा अभी इन पे, ये देखिए इसमें भी आ रही है, ये इसमें भी रूट्स आ रही है। तो पानी में ये भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और यहाँ पे देखिए, अपराजिता का एक और प्लांट निकल आया। तो इसी तरीके से प्लांट्स ज़रूर लगाइए, और घर को हमेशा सजा के रखिए। प्लांट्स से ज़रूर सजाइए घर में, नेगेटिविटी जाती है, पॉजिटिविटी आती है, और बरकत बनी रहती है। और हरा भरा घर देख के ना और भी मन खुश होता है, और पॉजिटिविटी अपने आप। और यहाँ पे देखिए, ये वाले प्लांट्स भी सही से चल रहे हैं, इनको भी मैं दूसरे तीसरे दिन पानी डालती हूँ, तो अच्छे से ये भी हरे भरे हैं। इधर भी देखिए, मैं और भी प्लांट लाई थी, तो सारे प्लांट्स सही से यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। पानी में यहाँ पे भी मैंने मनी प्लांट वॉन्डरिंग ज्यूर लगाई है, और ये भी सर्वाइव कर रहे हैं। और ये नारियल प्लांटर भी, मैं कोकोनट प्लांटर भी नीचे ले आई, इसमें टर्टल वाइन लगी हुई है। थोड़े थोड़े दिनों बाद में इनमें स्प्रे करती हूँ पानी का दूसरे दिन, और जब मिट्टी सूखती है तो पानी डाल भी देती हूँ। तो आप भी इस तरीके से प्लांट्स ज़रूर लगाइए अपने घर के अंदर भी, और कुछ। और यहाँ पे देखिए, ये ट्रेलिस लगा रखी है मैंने, आर्टिफिशियल है पर अच्छी लगती है, और हरी भरी है ना तो अच्छी लगती है, घर में सुंदर भी लगती है, और जो भी कोई आता तो ज़रूर देखता है। यहाँ पर सिलंधी तो मैंने उसको छुपाने के लिए इसको ट्रेलिस को लगाया है। तो आप इस तरीके के जुगाड़ करके ना अपने घर में सुंदर बना सकते हैं, अपने घर को, दीवारों को, और गार्डन का एक रूप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो कई तरीके से आती है, मैं ऊपर भी लगाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। ये दीवार पे भी खाली है, ऊपर की दीवार। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल सीलन को रोकने के, छुपाने के लिए लगा रखा है। बताइएगा ये जुगाड़ आपको मेरा कैसा लगा। घर में पॉजिटिविटी और बरकत बनाए रखने के लिए हमें अपने मंदिर को साफ़ सुथरा और सजा के रखना चाहिए। और कान्हा जी रखे हैं तो उनको सुलाएं भी, और खाना भी खिलाएं, भोग अवश्य लगाएं, और मंदिर में एक लोटा जल भरकर जरूर रखें। कान्हा जी के आगे भी उनके लिए पानी भर कर रखें, तो इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। और डेली पूजा करें और श्रृंगार करें कान्हा जी को, भगवान जी को, सभी को इत्र ज़रूर लगाएं, और घंटी ज़रूर बजाया कीजिए। घंटी बजने से ना हमारे घर में नेगेटिविटी दूर भागती है, और पॉजिटिविटी आती है। और घर में धूप दीप गूगल वगैरह ज़रूर जलाएं, और सफ़ेद सरसों जो है चारों तरफ छिड़क दें अपने घर में, उससे भी पॉजिटिविटी बहुत आती है घर के अंदर, और बरकत बनी रहती है। और अपने किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, सजा के रखें,
क्योंकि सजा हुआ किचन रहेगा तो हमारा मन भी खुश रहेगा और हम अच्छे मन से खाना बनाएंगे तो हमारे घर के परिवार वालों की जो सेहत भी अच्छी बनी रहती है। और घर के अंदर किचन सजा रहेगा तो ऐसा लगता है कि सारा घर ही सजा हुआ है और पॉजिटिविटी खूब आती है घर के अंदर। और सबसे पहले गाय माता की रोटी बनाइए, सुबह उठते ही नहा धो के आप गाय को रोटी ज़रूर डालिए और एक बाल्टी भर के रात को पानी की ज़रूर रखा कीजिए किचन के अंदर, उससे भी पॉजिटिविटी बनी रहती है हमारे घर में। और गैस का चूल्हा बिल्कुल खाली होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, तवा कुकर वगैरह जो आप रात को छोड़ते हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसको खाली रखना है। ने किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से सजा के रखें, प्लांट्स लगाएं वहाँ पे, इससे जो है पॉजिटिविटी बनी रहती है। और अच्छे से सजाएं किचन को और खाना बनाएं तो भगवान का नाम लेके बनाएं, कुछ भी मंत्र वंत्र आप पढ़ते रहें, जाप करते रहें और पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं घर के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है घर के अंदर। और अपने घर में खाना बनाते समय गाय के लिए तो निकालते हैं हम, कुत्ते के लिए भी निकालिए एक लास्ट की रोटी, चींटियों को भी डालिए उसमें और पक्षियों को भी डालिए थोड़ा सा खाना। और दान पुण्य हमें करते रहना चाहिए ज़रूर, महीने में एक आधी बार ज़रूर जो है गरीबों को खाना खिलाएं, दान कीजिए, उससे घर में बहुत ज़्यादा बरकत रहती है और वो आशीर्वाद भी देते हैं लोग, तो इससे जो है हमारे घर में बरकत बनी रहेगी। और पंडित जी को ज़रूर खिलाएं एक बार, घर में कुछ ना कुछ हवन ज़रूर कराया कीजिए महीने में एक बार, तो इससे जो है पॉजिटिविटी बनी रहती है और खुशहाली आती है हमारे घर में। और अच्छे से जो है अपने किचन को ऑर्गेनाइज करके रखिए, फैला हुआ किचन जो है दुर्भाग्य लाता है। और घर में देखिए प्लांट इस तरीके से लगाइए, मनी प्लांट मैंने लगाया हुआ है तो आप भी मनी प्लांट लगा सकते हैं बॉटल में पानी में, तो बेसिन के ऊपर ज़रूर एक प्लांट ग्रीन रखिए, तो इससे भी पॉजिटिविटी आती है। और घर के अंदर धूप का आना भी बहुत ज़रूरी है, तो धूप का प्रकाश सूरज की, और घर में सुबह शाम भजन ज़रूर लगाएं, उससे भी घर में पॉजिटिविटी आती है, तो ज़रूर भजन लगाएं। और जूते चप्पल जो हमारे इधर उधर फैले रहते हैं ना, कभी भी इनको फैलाना नहीं चाहिए, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें, रैक में रखें, तो इससे जो है नेगेटिविटी दूर भागती है घर के अंदर और सुंदर भी लगता है रैक हमारे घर में पड़ा हुआ। तो मेरे ये टिप्स और ट्रिक्स बताइएगा कैसे लगे।